हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल एग्जाम न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि नॉर्दर्न रेलवेज के मुरादाबाद डिवीजन के ALPs के ज्वाइनिंग लेटर्स आना स्टार्ट हो गए हैं और रिपोर्टिंग 2 मार्च से है। दोस्तों, आज 4 मार्च और 3 दिन की ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग कम्प्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज ज्वाइनिंग प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पर, ट्रेनिंग लेटर आपको कब मिलेगा, सैलरी कब से स्टार्ट होने वाली है, इस सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स के आगे आने वाले बैचेस में ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही जो वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक 3 दिनों में कितने अब्सेंट हुए हैं और आगे कितने अब्सेंट होने की चांसेस है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ज्वाइनिंग के लिए डेली 15 कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है और जो रिपोर्टिंग टाइम दी गई है आपको 10 बजे की दी गई है, इसलिए आप सभी कोशिश करें कि 9 से 9:30 के बीच आप वहाँ पर पहुँच जाए DR ऑफिस के बाहर। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज आपकी 10 बजे से स्टार्ट होगी। अगर हम ज्वाइनिंग टाइम की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर इवनिंग में 6 बजे तक आपकी ज्वाइनिंग चलेगी, यानी टोटल 8 घंटे कह सकते हैं आपको ज्वाइनिंग में लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्वाइनिंग में ऐसा क्या करवा रहे हैं जो 8 घंटे टाइम लग रहा है, वो आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। जो लोग बाहर किसी भी स्टेट से आ रहे हैं उनको मुरादाबाद जंक्शन पर उतरना है और वहाँ से DRM ऑफिस 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, या फिर आप वहाँ से ऑटो ले सकते हैं। जैसे आप 10 बजे पहुँचेंगे सबसे पहले वहाँ पे आपकी अटेंडेंस कराई जाएगी, उसके बाद आपको 3 फॉर्म दिए जाएंगे, ओथ सर्टिफिकेट, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म और एक बेसिक डिटेल्स की फॉर्म। इन तीनों को आपको वहाँ फिल करना है, इसमें जो भी डाउट हो आप वहाँ पे ऑफिशियल से पूछ लें। ये फिल करने के बाद आपको 2 या 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक ग्रुप को NPS फॉर्म के लिए भेज दिया जाएगा, एक ग्रुप में जाकर आपसे NPS फॉर्म भरवाया जाएगा, दूसरे ग्रुप को बैंक अकाउंट खोलने के लिए भेज दिया जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पर SBI के ऑफिशियल बैठे होंगे, और तीसरे ग्रुप से बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। लंच के लिए बीच में आपको 1 आवर गैप दिया जाएगा, स्नैक्स आपको वहीं प्रोवाइड की जाएगी। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं और कौन से पॉइंट में ज्यादातर स्टूडेंट्स फंस रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाए गए हैं उनको 2 सेट में डिवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे सेट 1 में आपको कॉल लेटर की फोटोकॉपी लगानी है, अटेस्टेशन फॉर्म का 1 सेट लगाना है और जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको उन सबको लगाना है। सेट 1 आपका एक रूम में सबमिट कर दिया जाएगा और सेट 2 के लिए यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, सीरीज में आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सेट 1 आपको क्लियर हो गया होगा, अब देख लेते हैं सेट 2 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किस ऑर्डर में आपको लगाने हैं, कितने कितने सेट लगाने हैं। यहाँ पर सेट 2 के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, आपको इसी ऑर्डर में लगाना है। वहाँ पर सबसे पहले कॉल लेटर ओरिजिनल कॉपी लगानी है आपको, उसके बाद रेजिग्नेशन लेटर, अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट फॉर्म में काम कर रहे थे इससे पहले तो वहाँ का रेजिग्नेशन लेटर देना है आपको, उसके बाद ओथ सर्टिफिकेट जो आपको स्टार्टिंग में दिया गया था। नेक्स्ट है इंडेमनिटी बॉन्ड, जो आपने अपने यहाँ के नोटिस बनवाया था उसको आपको सबमिट करना है, बॉन्ड में जो भी डिटेल्स भरी नहीं गई थी अभी तक वो आपसे वहाँ पर भरवा लिया जाएगा। उसके बाद NSC जो आपने पोस्ट ऑफिस बनवाया था, अटेस्टेशन फॉर्म 3 कॉपीज, तो एक कॉपी आपने पहले सेट में लगा दिया, बाकी की 2 कॉपीज इस सेट में लगाना है आपको। नेक्स्ट है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जो आपने एक सेट बनवाया था वो सबमिट करना है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाई गजिस्टर्ड ऑफिसर, ये दोनों एक ही पेज पर फॉर्मेट पर था, आपने गजिस्टर्ड और SDM साइन करवाए थे, उस CC कॉपी की बात हो रही है। नेक्स्ट आधार कार्ड 2 कॉपी, पैन कार्ड 2 कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप OBC SC और ST से हैं, बैंक पासबुक फर्स्ट पेज, वहाँ पर अकाउंट खुलवा के आपको फर्स्ट पेज दिया जाएगा बैंक का, वो आपको यहाँ पे लगाना है। जितने भी डिग्री डिप्लोमा या 10th 12th के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको 2 कॉपीज देनी है। यहाँ पर बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोज ले जा रही है 4 सेट, इन सभी को इसी ऑर्डर में लगा के आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर आपसे वहाँ पे सर्विस बुक भरवाई जाएगी, सर्विस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको अच्छे से भरे, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे ऑफिशियल से पूछ ले। इसके बाद आपको 5 कॉपी ट्रेनिंग लेटर भरवाए जाएंगे, उस पर आपको फोटो पेस्ट करनी है, साइन करने हैं और आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है, और ट्रेनिंग लेटर आपको 8 मई को दिया जाएगा। फर्स्ट बैच के सभी 90 बच्चों को 8 मई को रिपोर्ट करना है DRM ऑफिस में दोबारा से, जहां से आपको ट्रेनिंग लेटर लेकर GRT चंदौसी जाना है, जहां से आपकी 10 मई से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और जब ये सभी डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएगी तो आपको लास्ट में एक फाइल और एक रेलवे का ब्राउजर दे के भेज दिया जाएगा। अब बात कर रहे थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट अब्सेंट हो चुके हैं अब तक। तो दोस्तों, ये अब्सेंट का डाटा है अब तक का, 2 मार्च को 4 स्टूडेंट अब्सेंट थे, 3 मार्च को 2, 4 मार्च को 4, तो टोटल अब तक 10 स्टूडेंट्स अब्सेंट हो चुके हैं जिनको रेलवे शायद 2 बार रिमाइंडर भेजे, पर जैसे कि ये लोग ऊपर रैंक के थे हो सकता है इन लोगों का सिलेक्शन किसी और पोस्ट में हो गया हो, तो वेटिंग स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं और क्या क्या ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, जो सबसे मेन पॉइंट है वो NPS, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं, इसलिए आप NPS के 3 से 4 सेट फोटोकॉपी करा के ले जाए, 2 सेट आपको ओरिजिनल फिल करके देना है वहाँ पे, और NPS में आप बैंक डिटेल्स ना भरे, वहीं पे आपको फिल करवाई जाएगी, और जो भी डाउट के पॉइंट है उनको ब्लैंक छोड़ दें क्योंकि NPS में एक भी गलती दोस्तों अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है फोटोज, फोटोज दोस्तों आप 15 से 20 ले लें। नेक्स्ट है फिल ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, दोस्तों आप ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट है, आगे आपकी पूरी रेलवे लाइफ इसी डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करेगी, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल गलत ना भरें, चाहे सर्विस बुक हो, NPS को
क्योंकि आगे आपकी सैलरी इसी से आनी है, आपका रिकॉर्ड सारा इसी में रहेगा। इसके डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से भरें, कोई भी डाउट्स हो तो वहाँ पे ऑफिसर से पूछ लें, और बिल्कुल जल्दबाजी ना करें डॉक्यूमेंट्स को फिल करने में। नेक्स्ट डे डीआरएम ऑफिस टाइम पर पहुंच जाए, क्योंकि दोस्तों 10 बजे अटेंडेंस हो जाती है, तो इसलिए आप 9 से 9:30 के बीच पहुंच जाए वहाँ पे। नेक्स्ट बॉन्ड एनएससी अटेस्टेशन फॉर्म आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये चार डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीएस के अलावा। इन सभी को बनवा चुके होंगे तो इन सबको अच्छे से एक बार देख लें, कोई पॉइंट किसी में रह गया तो उसको फिल कर ले। बाकी कोई डाउट हो आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में अपना पूछ ले, और अपने रिपोर्टिंग डेट से पहले ये सब कंप्लीट करके रखें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले नॉर्दर्न रेलवे ज्वाइनिंग और सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।